की बात है, एक शहर में नायरा, कार्तिक, गायू और नैतिक नाम के कुछ दोस्त रहते थे जो एक दूसरे की हमेशा मदद किया करते थे। तो बात छोटी हो चाहे बड़ी, वे हमेशा एक ही साथ रहते थे, इसलिए सभी दोस्त मिलजुल कर स्कूल जाते थे और वहाँ से एक ही साथ वापस भी आते थे। ऐसे ही समय बीत और वे सभी दोस्त स्कूल से निकलकर एक साथ कॉलेज भी जाने लगे थे। कुछ दिनों बाद उनके कॉलेज का एग्जाम आने वाला होता है। तभी एक दिन गायू, नैतिक, कार्तिक और नायरा एक साथ बैठकर एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब गायू सबसे कहती है कि मैं एग्जाम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, जिसे सुनकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर नैतिक कहता है कि मैं भी एग्जाम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, जिसे सुनकर नायरा और कार्तिक के होश उड़ जाते हैं। तब नायरा कार्तिक से कहती है, अरे यार, हमने तो स्कूल छोड़ने के बाद कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो कल एग्जाम में क्या करेंगे। जिसे सुन कार्तिक नायरा से कहता है, लगता है इस बार गायू और नैतिक ही पास होंगे और हमारा पता नहीं, तो फिर हम क्यों टेंशन लेते हैं, कल की कल देखेंगे, आज तो हम चारों दोस्त मिलकर पार्टी करते हैं। और अगले दिन सभी कॉलेज जाने के लिए एक साथ बस स्टॉप पर पहुंचते हैं, पर उनकी बस वहां से निकल चुकी होती है, इसलिए वे चारों दोस्त पैदल ही कॉलेज जाते हैं और फिर एक साथ एग्जाम देने के लिए एग्जाम रूम में बैठते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस तस्वीर को देख के बता सकते हैं कि चारों दोस्तों में से चीटिंग कौन कर रहा है। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए देखते हैं कि चारों में से चीटिंग कौन कर रहा है। चारों में से कार्तिक और नायरा ही चीटिंग कर रहे हैं। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देख रहे होंगे तो जहाँ कार्तिक और नायरा बैठे हैं, वहाँ उनकी टेबल पर एक चिट रखी है। इससे साफ पता चलता है कि उन चारों में से कार्तिक और नायरा ही चीटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पहेली, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी पहेली पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी मजेदार और दिलचस्प पहेलियों का जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।